हेलो दोस्तों, भारत ने श्रीलंका के खिलाफ रखा 374 रनों का विशाल टारगेट। तो भारतीय बल्लेबाजी पारी का हाइलाइट्स जानने के लिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा लीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। भारत ने श्रीलंका को 374 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 60 विकेट गंवाकर 373 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा और शुभम गिल ने शानदार और शतकीय पारी खेली है, जबकि विराट कोहली ने एक शानदार शतक ठोका। श्रीलंका के लिए कसु रजिथा ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट चटकाए हैं। दिलशान मधुशंका, चमिका करुणारत ने, दासुन सनाका और धनंजय डी सिल्वा ने एक एक विकेट चटकाए हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की है। रोहित शर्मा और शुभम गिल ने पहले विकेट के लिए 143 रनों की साझेदारी की। रोहित ने 67 गेंदों में 83 रन बनाए हैं, जबकि गिल ने 60 गेंदों में 70 रन बनाए हैं। दोनों ओपनिंग जोड़ी आउट होने के बाद कोहली ने थोड़ा रुक के बल्लेबाजी की। उन्हरे सरेश अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 40 रन और के राहुल के संग चौथे विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी की। राहुल ने 29 गेंदों में 39 रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या 12 गेंदों में 14 रन और अक्षर पटेल 9 गेंदों में 9 रन कुछ खास कमा नहीं कर पाए हैं। कोहली 7वें विकेट के रूप में पवेलियन लौटे। विराट कोहली को रजिथा ने 49वें ओवर में विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों से उसका कैच लपकाया है। कोहली ने 87 गेंदों में 12 चौकों और एक छक्के के दम पर 113 रन बनाए हैं। मोहम्मद शमी 3 रन और मोहम्मद सिराज 7 रन बनाकर नाबाद रहे।